नमस्कार श्रोताओं, हमारी आज की कहानी है छोटा सा मजाक। एक दोस्त ने अपने दोस्त को कुतुब मीनार का गिफ्ट दिया। ये फनी स्टोरी चलो सुनते हैं। सिकंदर दिल्ली में सरकारी नौकरी करता था। वह जब भी अपने गांव आता था तो अपने बचपन के दोस्त रामफल और उसके परिवार के लिए दिल्ली से कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ या अन्य कोई सामान लेकर ज़रूर आता था। रामफल अनपढ़, सीधा साधा, ईमानदार, सच्चा इंसान था। उसे अपने गांव के अलावा दुनिया की कोई जानकारी नहीं थी। वह बहुत गरीब था। वह बचपन से आज तक अपने गांव से अपने आसपास के गांव में भी घूमने फिरने नहीं गया था। रामफल बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपने बीवी बच्चों को दो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से खिला पाता था। दूसरी ज़रूरतें जैसे कपड़ा, घूमना फिरना आदि पूरा करना तो उसके लिए दूर की बात थी। रामफल अपनी गरीबी, तंग हाली की वजह से हमेशा दुखी रहता था। एक बार उसका बचपन का दोस्त सिकंदर दिल्ली से अपने गांव घूमने आया हुआ था तो रामफल ने अपनी गरीबी, तंग हाली और गरीबी के बारे में उसे बताता है। इसलिए उसके बचपन का दोस्त सिकंदर उसे अपने साथ दिल्ली में नौकरी करने के लिए ले जाता है। रामफल अनपढ़ था, इसलिए सिकंदर उसके लिए अच्छी नौकरी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। और जब वह एक दो महीने तक रामफल की दिल्ली में नौकरी नहीं लगती तो वह सिकंदर को अपने गांव वापस जाने की कहता है, क्योंकि वह अपने बचपन के दोस्त सिकंदर पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता था, क्योंकि सिकंदर उसके साथ साथ उसके परिवार का भी खर्चा उठा रहा था तो वह अपने दोस्त पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इसलिए वह गांव वापस जाकर अपनी पुरानी मेहनत मजदूरी करना ही ठीक समझ रहा था। और उन्हीं दिनों सिकंदर को भी दो महीने के लिए किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर भी जाना था। इसलिए सिकंदर रामफल से कहता है कि बस दो महीने का इंतज़ार और कर ले, मैं दिल्ली आने के बाद तेरी कहीं न कहीं अच्छी नौकरी लगवा दूंगा दोस्त, तू मुझ पर भरोसा कर, क्योंकि मैं जिस बड़े आदमी के काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ उसके तेरी नौकरी लगवाने का उसने मुझसे वादा किया है। और सिकंदर रामफल से फिर से कहता है कि मैं दूसरे शहर में जाने से पहले तुझे दिल्ली घुमा देता हूँ, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे दोस्त जाने से पहले दिल्ली घूम ले, और उसे कुतुब मीनार घूमने ले जाता है। सिकंदर रामफल के साथ कुतुब मीनार घूमने के बाद उसे एक छोटा सा मज़ा लेते हुए कहता है कि कुतुब मीनार मेरी है और मैं कल दो महीने के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुझे मेरी कुतुब मीनार की पूरी देखभाल करनी होगी। मैं अपनी अमानत कुतुब मीनार तेरे पास दो महीने के लिए छोड़ कर जाऊँगा। और दूसरे सिकंदर रामफल को अपने घर पर अकेला छोड़कर दूसरे शहर में दो महीने के लिए चला जाता है। रामफल अपने बचपन के दोस्त सिकंदर की अमानत कुतुब मीनार की देखभाल करने के लिए रोज़ सुबह ही पहुंच जाता और कुतुब मीनार के आसपास झाड़ू लगाकर वहां बैठकर घूमने फिरने आने वाले लोगों और विदेशी पर्यटकों को देखता रहता था कि कोई कुतुब मीनार के आसपास गंदगी तो नहीं फैला रहा या कुतुब मीनार को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। अगर कोई पर्यटक कुतुब मीनार के आसपास गंदगी फैलाता था तो रामफल उसे रोक कर कहता था कि ये कुतुब मीनार मेरे दोस्त की है और यह मुझे उसकी देखभाल की जिम्मेवारी सौंप कर गया है। अगर कोई मेरे दोस्त की अमानत को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा। सारे पर्यटक उसकी यह बात सुनकर हंसते थे। इसलिए रामफल की वजह से कुतुब मीनार के आसपास बहुत सफाई रहने लगी, साफ़ सुथरा रहने लगा था, क्योंकि वह दिन
मैं 3-4 बार कुतुब मीनार के आसपास झाड़ू लगाता था और कुतुब मीनार की देखभाल करता था। ऐसे करते करते 2 महीनों बाद सिकंदर दिल्ली आता है और अखबार में रामफल का फोटो देखकर कुतुब मीनार पर रामफल से मिलने के लिए जाता है और रामफल को अखबार में उसकी फ़ोटो दिखाकर कहता है कि तूने 2 महीने कुतुब मीनार की इतनी अच्छे से देखभाल की और कुतुब मीनार को साफ सुथरा रखा है, इसलिए पर्यटन विभाग ने खुश होकर तुझे कुतुब मीनार की साफ सफाई और देखभाल के लिए नौकरी पर रख लिया है। रामफल की ईमानदारी सच्चाई की वजह से उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है और रामफल की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो दोस्त ये था एक छोटा सा मजाक सिकंदर द्वारा अपने दोस्त रामफल के साथ किया हुआ। आशा करती हूँ ये फनी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कहानी और वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।